भौकाल, फिर रंगाचल, अब रंगबाज, ओटीटी पर चढ़ा बाहुबलियों का रंग, जिनके नाम से पूर्वांचल और बिहार की धरती कांपती है, वो सिल्वर स्क्रीन और ओटीटी के चेहरे हैं। असल जिंदगी में उन्हें बाहुबली कहा जाता है, मगर वेब सीरीज की कहानियों के वो नायक हैं। ऐसे नायक जिन पर वेब सीरीज बनाने का मतलब है कामयाबी गारंटीड। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह से लेकर मुन्ना बजरंगी और मोहम्मद शहाबुद्दीन तक, असल जिंदगी के इन बाहुबलियों के कहानियों में नायक बनने की सच्चाई को दिखा रही है जनसत्ता की ये खास रिपोर्ट। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। रंगबाज और मोहम्मद शहाबुद्दीन। 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 सालों में ना सिर्फ अपराध जगत में अपना सिक्का जमाया, बल्कि बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक का सफर तय किया। जब अदालत में सजा सुनाई गई तो जेल का सफर भी तय किया गया। कहा जाता है कि वो जेल से ही अपने साम्राज्य का कंट्रोल करता था, मगर कोरोना काल में जब शहाबुद्दीन की मौत की खबर सामने आई तो हर कोई हैरान था। अब उसी शहाबुद्दीन की जिंदगी पर G5 ने वेब सीरीज बनाई तो वो भी सुपरहिट रही। इस वेब सीरीज के 3 सीजन हिट हो चुके हैं और इसके डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबा पर है। मुख्तार, ब्रिजेश, बजरंगी और रक्तांचल। मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह और मुन्नी बजरंगी पूर्वांचल के 3 बाहुबली जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सिक्का चलता है। इस इलाके के हर सरकारी ठेके और संगठित अपराध में कहीं ना कहीं इनका हाथ जरूर बताया जाता है। मुख्तार अंसारी और मुन्नी बजरंगी कभी एक साथ काम किया करते थे, तो वहीं इन दोनों का जानी दुश्मन माने जाने वाला ब्रिजेश सिंह के नाम की गूंज मुंबई के JJ अस्पताल शूटआउट कांड में सुनाई दी थी। जेल में बंद मुन्ना बजरंगी के साथी कैदियों ने हत्या कर दी थी, तो कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी अब भी जेल की सराखों के पीछे हैं। जबकि जेल से छूटने के बाद ब्रजेश सिंह यूपी विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं और माननीय कहलाते हैं। MX प्लेयर की वेब सीरीज रक्तांचल ने पूर्वांचल के इन तीनों बाहुबलियों की कहानी एक साथ पिरोकर वेब सीरीज रक्तांचल में पेश किया है। रक्तांचल के दोनों सीरीज सुपरहिट हैं और लोगों को तीसरे सीजन का इंतजार है। शौकीन, बिट्टू और भौकाल। एक वक्त था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर को यूपी का क्राइम कैपिटल कहा जाता था। माफिया शौकीन खान, बिट्टू कैल और निट्टू कैल के गैंग ने पूरे इलाके में अपनी दहशत फैला रखी थी। ऐसे में IPS अधिकारी नवनीत सिकेरा ने इन तीनों का एनकाउंटर करके वेस्ट यूपी को क्राइम फ्री बनाया था। इसी सच्ची घटना पर बनी वेब सीरीज भौकाल ने MX प्लेयर पर जमकर भौकाल दिखाया और दोनों सीरीज सुपरहिट भी साबित हुई। इन दोनों के अलावा कभी यूपी में आतंक का नाम रहे श्री प्रकाश शुक्ला पर फिल्म सहर बनी और बिकरू कांड के खलनायक विकास दुबे पर बिकरू नाम से फिल्म बनी। बाहुबलियों पर फिल्म और वेब सीरीज बनना आपकी नजर में कितना सही है और कितना गलत, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और बाकी देश दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।